नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको भारतीय रेल की पेनल्टी सिस्टम के बारे में सब कुछ आसान शब्दों में समझा दूंगा, जिसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। दरअसल बात यहाँ पे ये होने वाली है दोस्तों कि अगर आप बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हो, या तो फिर प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हो, या तो फिर लोअर क्लास के टिकट लेकर अपर क्लास में यात्रा कर रहे होते हो, या फिर टीटी आपको ट्रेन के अंदर पकड़े, टीटी आपको ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर पकड़े, तो किसका जुर्माना कितना होने वाला है, कौन सा फॉर्मूला रेलवे जो है अप्लाई करती है यात्रियों पर, आज के इस एपिसोड में आसान भाषाओं में समझेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सबसे दिल से गुजारिश है कि अपना छोटा सा लाइक देकर इस वीडियो बनाने की मेहनत को सफल जरूर बनाएं और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि बिना टिकट अगर कोई यात्री ट्रेन में सवार हो जाता है तो रेलवे जुर्माना कितना लेगी। तो यहाँ पे बिना टिकट में एक आपको सबसे पहला जो दिक्कत, मतलब आपके लिए प्रॉब्लम यह है कि आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आपने उस गाड़ी में कहाँ से चढ़ा है, क्योंकि गाड़ी में चढ़ते ही टीटी आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। टीटी आएंगे तो भी वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि आप जो है गाड़ी जहाँ से शुरू हो रही वहीं से चढ़े हो, आप तो प्रूफ नहीं कर पा रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या होगा, टीटी आपसे पूछेंगे कि आपको जाना कहाँ तक है, आप जहाँ तक जाओगे वहाँ तक का आपका टिकट बना दिया जाएगा, गाड़ी जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से, यानी कि आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास का किराया विथ फाइन अमाउंट 250 रुपये। सपोज मान लेते हैं आप स्लीपर क्लास में हो बिना टिकट, गाड़ी जहां से शुरू हो रही है आपको जहां तक जाना है वहां तक का किराया देने के बाद 250 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना होगा, जिसकी रसीद टीटी आपको दे देंगे, जिसके बाद पूरा सफ़र जो है आप यात्रा कर सकते हो उस क्लास में। हाँ, ये भी टीटी का फर्ज बनता है कि अगर कोई सीट खाली है तो वो आपको देंगे। जनरली जो है टीटी मतलब खाली सीट जो है यात्रियों को नहीं मिलती है, भारतीय रेल का हाल कुछ ऐसा, तो सीट कहाँ से आपको मिलेगी। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो यहाँ क्या होता है कि आप ये प्रूफ कर पा रहे हो, आपने ये सबूत दे दिया प्लेटफॉर्म टिकट को सबूत के तौर पर पेश किया कि आपने इस स्टेशन पर चढ़ा है। ऐसे टीटी जो है प्लेटफॉर्म टिकट की टाइमिंग को देखेंगे कि इस गाड़ी का टाइमिंग कितने बजे है और प्लेटफॉर्म टिकट की टाइमिंग कितने बजे है। अगर प्लेटफॉर्म टिकट का टाइम जो है 2 घंटे का वैलिड होता है, 2.5 घंटे बाद आपने ट्रेन पकड़ी है, तो भी उस प्लेटफॉर्म टिकट का कोई वैलिड नहीं होगा, उसको माना नहीं जाएगा, बिना टिकट ही आपको जो है शुरू से आपका टिकट बना दिया जाएगा। हालांकि टीटी के मूड पर भी ये डिपेंड करता है, उनका अगर मूड अच्छा है तो वो आपका टिकट आप जैसे बोलोगे वैसे बनाने में, जनरली ये नहीं होता है। यहाँ पे जुर्माने की रकम क्या होगी, जहाँ का आपका प्लेटफॉर्म टिकट है वहाँ से आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक का, जिस क्लास में आप यात्रा कर रहे हो जितना भी किराया है उतना किराए के ऊपर 250 रुपये, 250 रुपये पेनल्टी आपको लगेगा। याद रखिएगा 250 रुपये का रेलवे का जो पेनल्टी है, इस अमाउंट को याद रखिए, यही जो है सारे क्लास में होने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं अगर आप लोअर क्लास के टिकट लेकर अपर क्लास में यात्रा कर रहे हो, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जनरल का टिकट तो आपने ले लिया बट गाड़ी का कोच का हाल कुछ ऐसा है कि आप उसके अंदर जा नहीं सकते हो, तो इस केस में मजबूरन आपको जो है स्लीपर में चढ़ना पड़ता है। तो इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ अच्छे से। आपने जो है हावड़ा से, मान लेते हैं कि एक गाड़ी जो है हावड़ा से खुल रही है वो जा रही है चेन्नई तक, आपको हावड़ा में उसी गाड़ी में चढ़े हैं, आप चढ़ चुके हो जनरल टिकट लेकर स्लीपर कोच में और आपको उतर जाना है भुवनेश्वर में। आपने जनरल टिकट के लिए 100 रुपये ऑलरेडी जो है रेलवे को दे दिया है और यहाँ का जो किराया है स्लीपर का वो 400 रुपये मान लेते हैं, हर चीज़ को मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, रेलवे आपसे 250 रुपये जुर्माना विद आप जिस क्लास में यात्रा कर रहे हो उस क्लास का किराया आपसे लेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा 400 रुपये का किराया है, 250 रुपये आपसे लेगी, यानी कि 650 रुपये रेलवे आपसे लेगी, जबकि आपने यहाँ पे 100 रुपये ऑलरेडी जनरल टिकट के तौर पर रेलवे को दे दिए हो, तो यहाँ आपके उस 100 रुपये को माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि आपसे 400 रुपये, ये जो 250 पेनल्टी है वो 150 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि आपने जनरल के लिए 100 रुपये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 550 रुपये रेलवे आपसे लेगी। लेकिन देखा जाए तो पूरा का पूरा 650 रुपये आपने रेलवे को दिया है। देखिए ये तो है ट्रेन के अंदर का। अगर आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हो या प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आप यात्रा कर रहे हो, आपको गाड़ी के अंदर टीटी से कोई मुलाकात नहीं हुआ, आप गाड़ी से उतर जाते हो ट्रेन के आसपास हो, टीटी आपको स्टेशन पर देख लेते हैं उतरने के बाद, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो आपको जो है उस गाड़ी का सबसे लोअर क्लास जो होता है जनरल क्लास, उस क्लास का किराए के साथ में जुर्माने की रकम यानी कि 250 रुपये ले सकते हैं। और अगर आप उस गाड़ी से थोड़ी सी दूरी बना लेते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ बिना प्लेटफॉर्म टिकट के माने जाओगे, तो यहाँ पे आपसे 250 रुपये लेकर आपको छोड़ दिया जाएगा, यानी कि 250 रुपये आपका वो फिक्स है हर हाल में।
और दोस्तों अगर आप जनरल क्लास का टिकट लेकर स्लीपर में यात्रा कर रहे हो, टीटी से आपकी भेंट नहीं होती है, कोई जुर्माना आपको नहीं लगता है, आप गाड़ी से उतर जाते हो, तो कोई भी यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाएगा कि आपने किस क्लास में यात्रा किया। तो टीटी आपको यहाँ पे स्टेशन पर पकड़ने पर कोई फाइन वगैरह आपसे नहीं लेंगे, जनरल टिकट देखकर आपको जाने दे देंगे। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि भैया मैंने जो है ये 250-250 रुपये फाइन का बात आप जो फिजूल में कर रहे हो, मैं 500 रुपये देकर टीटी को निपटा लिया। देखिए ऐसा करना गलत है, गलत सिर्फ नहीं आपके लिए भी गलत है, आप बोला रेलवे का गलत है, छोड़ो ना मेरे लिए थोड़े, आपके लिए भी गलत है। क्या है आपके लिए गलत? कि आपने जो भी अमाउंट रेलवे को दिया उसके बदले में वो आपको रसीद नहीं देंगे। रसीद नहीं देंगे तो टीटी अगर अगले 1-2 घंटे बाद टीटी आपको फिर से पकड़ेगा, कोई और टीटी, तो फिर से आपको वही जुर्माना पे करना पड़ेगा। इसलिए जो भी लीगल अमाउंट है वो देकर अपने लिए रसीद बनवा लें, ताकि आपका जो सफ़र है उस पूरा रास्ते में आपको कोई परेशान ना कर सके। पिछले दिनों का मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन कहीं मुझे जाना था, मेरे पास कंफर्म टिकट नहीं थी तो, और इमरजेंसी था मेरा जाना, तो मैंने काउंटर से एक जनरल टिकट लिया। अभी मेरी गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर आई नहीं है, 20 मिनट बाकी है। मैं प्लेटफॉर्म पर ही जो टीटी होते हैं उनसे जाकर मिला, जो गेट पर होते हैं, मिलकर उनको पूरा बात बताया कि सर मुझे इस गाड़ी में ट्रैवल करनी है, बहुत ज़रूरी है, बट मुझे स्लीपर में ही जाना है, मैं जनरल में नहीं जा सकता हूँ, मुझे पता है इस गाड़ी का जनरल का कंडीशन कैसा होता है, तो मेरे लिए स्लीपर का टिकट आप बना दो। तो उनके पास भी राइट होता है, वो टिकट बना देंगे। उन्होंने टिकट बना दिया, बट यहां पे जो है उन्होंने 20 रुपए कम मुझसे जो है जुर्माने का रकम जो होता है ना फाइन पेनल्टी के साथ में, जनरल टिकट को माइनस करके पेनल्टी के साथ में टिकट उन्होंने स्लीपर का बना दिया, लेकिन 20 रुपए उन्होंने कम चार्ज किया। तो टीटी के हाथ में होता है वो 10-20-40 रुपए कम कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, और अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ था तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।